वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए हम लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 2। तो इसमें दिए हुए हैं 30 क्वेश्चन। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से एक को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए जी.आर. टेरी, बी पीटर एफ ड्रकर, सी डाल्टन, ई एमसी फारलैंड और डी है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो देखिए, साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है किसको? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन आर देयर, ए मैक्स वेबर, बी हेनरी फ्योल, सी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर और डी चेस्टर बर्नर्ड। तो देखिए, इसका राइट आंसर है कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसके राइट आंसर होगा ए, दैट इज मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि, बी क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता पर नियंत्रण, सी कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी, डी फैसिलिटेटिंग सोल्डरिंग, सुविधाजनक दायित्व। तो देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो भी ऑप्शंस हैं तो उसमें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन ये सब तो है, लेकिन डी जो कि फैसिलिटेटिंग सोल्डरिंग यानी कि सुविधाजनक दायित्व, तो ये कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में देखिए, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स एसेंशियली टॉक अबाउट। फ्योल द्वारा सुझाए गए प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार स्पिरिट डी कॉर्प्स का सिद्धांत अनिवार्य रूप से किस विषय के बारे में बताता है? तो ये जो स्पिरिट डी कॉर्प्स है 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है, और जो सजेशन है वो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, यूनिफॉर्मिटी निरंतरता के बारे में कहता है, बी डिपार्टमेंटलाइजेशन विभागीकरण के बारे में, सी टीम वर्क समूह में कार्य के लिए, डी ऑनेस्टी ईमानदारी। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है वो टीम वर्क के बारे में, समूह कार्य के विषय के बारे में बताता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजेरियल ग्रिड एज ए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टूल वाज डिवाइज्ड बाय। प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन देखिए, पीटर एफ ड्रकर, बी माउटन एंड ब्लैक यानी कि माउटन और ब्लैक के द्वारा, सी कून जो डोनल और डी हेनरी मिंटबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दैट इज माउंटन एंड ब्लैक के द्वारा प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकरण के रूप में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको एमबीओ बोलते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की थ्योरी जो ये किसने प्रोपाउंड किया, किसने उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी डेविड रिकार्डो, डी पीटर एफ ड्रकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज पीटर एफ ड्रकर ने एमबीओ की प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी फ्योल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इनटू। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है। ऑप्शन देखिए, ए टू ग्रुप्स, दो समूहों में, बी फोर ग्रुप्स, चार समूहों में, सी सिक्स ग्रुप्स, छः समूहों में और डी एट ग्रुप्स, आठ समूहों में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज सिक्स ग्रुप्स में इसको बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है। तो इनके सिद्धांत कितने? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16, डी 20। तो इसका राइट आंसर, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए होलसेलर एज एन इंटरमीडियरी इज ए लिंक बिटवीन। थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है। किसके बीच में कड़ी है? थोक व्यापारी का काम क्या होता है, यानी किन दो लोगों के बीच में ये एक कड़ी का काम करता है, जो दो को एक चैनल बना हुआ है, माध्यम है। ऑप्शन देखिए, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में, बी मैन्युफैक्चरर एंड स्टॉकिस्ट के बीच में, सी मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में, डी रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, यानी कि मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में, कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करके और होलसेलर अपने पास में रखता है, एक स्टॉक बनाता है और ये मैन्युफैक्चरर को क्या करता है, फाइनेंस भी करता है ज़रूरत पड़ने पर, और रिटेलर को, जो रिटेलर है उनको तक, क्योंकि रिटेलर एक साथ माल खरीद नहीं सकता मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा, तो अब रिटेलर को थोड़ा थोड़ा सामान चाहिए तो किससे ले लेता है ये थोक व्यापारी यानी होलसेलर से परचेज कर लेता। तो होलसेलर क्या इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है मैकग्रेगर हैज प्रोपाउंडेड, मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया ए थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई बोथ नन ऑफ द अबव। तो देखिए मैकग्रेगर के साथ रिलेटेड है जो थ्योरी एक्स एंड वाई बोथ, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथोर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाई, हाथोर्न परीक्षण इनके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ई एल्टन मेयो, बी जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, सी जॉर्ज एटन मेयो, डी जॉर्ज मेयो। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि जब कभी हाथोर्न परीक्षण की बात आएगी तो एल्टन मेयो का नाम होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following is not related to the planning function given by a Taylor? निम्नलिखित में से कौन टेलर द्वारा विनिर्दिष्ट योजना कार्यों के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए ए रूट क्लर्क, बी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, सी इंस्पेक्टर, डी डिस्प्लिनरियन। तो जो इन ऑप्शंस में से टेलर के द्वारा विनिर्दिष्ट योजना कार्यों के साथ जो संबंध नहीं है जिनका, वो है सी इंस्पेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज ए एन, यानी कि संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है। ऑप्शन ए ओपन सिस्टम यानी खुली व्यवस्था, बी क्लोज सिस्टम बंद व्यवस्था, सी टेक्निकल सिस्टम तकनीकी व्यवस्था, डी मैक्रो सिस्टम यानी कि समष्टि व्यवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्लोज सिस्टम, संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को बंद व्यवस्था मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रबंधन का तंत्र नहीं है। ऑप्शन देखिए ए रस्ट आउट परित्याग, बी कॉग्निटिव थेरेपी संज्ञानात्मक उपचार, सी जॉब इनरिचमेंट कार्य समृद्धिकरण, डी नेटवर्किंग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट हाउस यानी कि परित्याग। ये एक ऐसा है कि जो कि तनाव के प्रबंधन का तंत्र नहीं है, बाकी सब तनाव के प्रबंधन के तंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ डब्ल्यू टेलर कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, एफ डब्ल्यू टेलर ने सैनिक जैसा फोरमैन के, तो सैनिक जैसा का मतलब यह है कि मिलिट्री में क्या होता है कि एक बॉस है वो ऑर्डर देता है और बाकी के लोग उसको जो है मानते हैं और उसको पूरा करते। तो ऑप्शन देखिए ऐसा किसमें है, ए यूनिटी ऑफ कमांड में, बी स्पैन, अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स है उसी में से बात किए गए, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सी डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, या डी डिपार्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्सेप्ट इन रिटेलिंग दैट हेल्प्स एक्सप्लेन द इमरजेंसी ऑफ न्यू रिटेलर्स इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस, फुटकर विक्रय से संबंधित अवधारणा जो नूतन फुटकर विक्रेताओं के उद्भव की व्याख्या करती है कौन सी प्राकल्पना कहलाती है। ऑप्शन देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र, भी सर्विस असॉर्टमेंट, चुनिंदा सेवाएं, सी रिटेल लाइफ साइकिल, फुटकर जीवन चक्र, डी व्हील ऑफ रिटेलिंग फुटकर व्यापार का पहिया या चक्र। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी दैट इज व्हील ऑफ रिटेलिंग फुटकर व्यापार का पहिया या चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व व्यापार में एकल स्वामी की देयता होती है। जो सोल प्रोप्राइटर है एक व्यापारी है तो उसकी देयता उसकी लायबिलिटी कैसी होती है। ऑप्शन देखिए सेकेंडरी, द्वितीयक, बी लिमिटेड, सीमित, सी अनलिमिटेड, असीमित, डी ज्वाइंट लायबिलिटी संयुक्त देयता। तो इसका राइट आंसर है कि एकल व्यापारी एकल स्वामित्व व्यापार में व्यापारी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप होने का, एकल स्वामित्व का लाभ क्या है। ऑप्शन देखिए ए इज इंफॉर्मेशन, बी फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, तो आसानी से बन जाता है, इसमें किसी तरह का एक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बी फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, सी मिनिमम रेगुलेशन, नियम कानून भी बहुत कम ही है, संचालन में लचीलापन भी है, तो डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही एकल स्वामित्व के लाभ हैं। नेक्स्ट है द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क प्रोड्यूस गुड्स आर सर्विस टू अर्न ए प्रॉफिट इज कॉल्ड, वो व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं का उत्पादित करने का जोखिम उठाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए इंटरप्रेन्योर उद्यमी, बी प्रोफेशनल पेशेवर, सी ट्रेडर व्यापारी, डी इन्वेस्टर निवेशक। तो जो व्यक्ति जोखिम उठा करके गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और बाद में उसे प्रॉफिट का रिवार्ड मिलता है उसे हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन इज, एकल स्वामित्व संगठन के 200 में से एक। अभी तक इन्होंने लाभ की बात करी थी, अब यहाँ कह रहे हैं कि दोष कौन से हैं। तो देखिए 200 में कहा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि असीमित दायित्व तो है, बी सिक्रेसी गोपनीयता है, सी लोअर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का निम्न लागत होता है, और डी आला आप देवो उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें जो एक 200 में से एक वो है ए दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि असीमित दायित्व तो इनके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप द प्रोप्राइटर्स लायबिलिटी, जो एकल स्वामित्व में स्वामी के दायित्व तो हैं। ऑप्शन देखिए, नील कुछ नहीं, बी अनलिमिटेड, सी लिमिटेड टू हिज शेयर, लिमिटेड टू हिज गारंटी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पर राइट आंसर आपका अनलिमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेद किया जाना कहलाता है। तो कहते हैं संगठन की व्यवस्था में स्वामित्व और मतलब मैनेजमेंट उसका अलग है, ओनरशिप उनकी अलग है ना। तो ए सोल प्रोप्राइटरशिप एकल स्वामित्व, बी पार्टनरशिप साझेदारी, सी कंपनी, और डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए क्या कहा गया, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते, किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेद, स्वामित्व अलग है और प्रबंध अलग है। तो यहाँ पर कहाँ पर ऐसा होता है, किस ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर है कि ऐसा सिर्फ कंपनी की कंडीशन में होता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा, मतलब पुराना सबसे कौन सा इसमें। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, डी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना स्वरूप है। नेक्स्ट है, फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज सैंक्शनड बाय, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता कौन होता है। एग्जिम बैंक होता, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, सी स्टेट बैंक होता है, या डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता भारतीय रिजर्व बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कहते हैं एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है। ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन ए हैने का है, बी किम्बल एंड किम्बल का है, सी विलियम आर बेसेट का है, डी एफ डब्ल्यू टेलर का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी दैट इज विलियम आर बेसेट का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर इज सेटअप बाय, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती किसके द्वारा। ए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार द्वारा, बी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा, सी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी बैंक के द्वारा, डी मेंबर्स के द्वारा सदस्यों के द्वारा। तो देखिए उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना मेंबर्स के द्वारा की जाती है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट गवर्न बाय एन स्पेसिफिक एक्ट इज नोन, व्यावसायिक संगठन का वो प्रारूप जो किसी विशिष्ट अधिनियम के द्वारा नियंत्रित। तो उसमें ऑप्शन देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और डी कंपनी। तो देखिए इसमें अगर पार्टनरशिप की बात करें तो एक्ट है इसका 1932, तो इसका भी एक्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 है, और कंपनी का भी है एक्ट 2013 है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप किसी भी एक्ट से नियंत्रित नहीं होता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, सोल ओनरशिप, बी इजी एस्टेब्लिशमेंट, सी इजी डिसोल्यूशन, और डी लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसमें देखिए सोल ओनरशिप तो होता है, इजी एस्टेब्लिशमेंट भी, इजी डिसोल्यूशन भी है, लेकिन डी जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात है ये रॉन्ग है, यानी कि डी विल बी द राइट ऑप्शन। और ये सीमित दायित्व की व्यवस्था या विशेषता एकाकी व्यापार में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज, एकाकी व्यापारी का दायित्व होता है। ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड, सी ज्वाइंट होता है, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर गवर्न्ड बाई, हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जिससे नियमित होते हैं वो क्या, ए मिताक्षरा स्कूल है, बी दया भाग स्कूल है, सी है कि बोथ मिताक्षरा एंड दया भाग, और डी है लिनरी डिसेंडेड स्कूल यानी पूर्वज वंशज स्कूल के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है कि हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जो इससे नियंत्रित होते हैं वो दोनों हैं, और वो कौन से हैं, सी दैट इज बोथ मिताक्षरा एंड दया भाग, मिताक्षरा एवं दया भाग दोनों ही। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए, हमारे कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दीज वर द 30 क्वेश्चंस। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस, आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं, और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन, स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप और आपको मिलेगा KVS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वाचिंग।